वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ ट्रेंड स्टूडियो। आप सबको सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे। तो चलिए आज आपके लिए एक सिंपल सा मेकअप लुक लेके आई हूँ जो है डिफरेंट और मेरे स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी टोनर। उसके बाद मैं यूज करूंगी बायोटिक का मॉइस्चराइजर। नेक को भी अच्छे से कवर करना है। उसके बाद मैं यूज करूंगी प्राइमर। जेल फॉर्म में है प्राइमर, एकदम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं यूज करूंगी फाउंडेशन। माय बेबी लिंक फिट मी का है, बस इतना सा लेना है और पूरे फेस पे टैब मोशन में। और नेक को भी कवर करना है। और उसके बाद आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर या फिर हैंड से भी, आपको आदत होती है तो अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल तो ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। हेयर को भी अच्छे से कवर करना है। अच्छे से ब्लेंड हो गया है। उसके बाद में हमारे फेस पे डार्क पैचेस या फिर किसी ब्लैक निशान होता है, उसके लिए मैं यूज करूंगी कंसीलर। इसे भी अच्छे से ब्लेंड करते हैं। अब हम यूज करेंगे कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक हम फाउंडेशन और कंसीलर को अच्छे से सेट होने के लिए यूज करना है।
तो नेक्स्ट है अपने आईब्रो फिलअप कर रही हूँ मैं अभी। मुझे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेरे डार्क है बहुत। अभी फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड। ब्राउन शेड बिल्कुल नेचुरल दिखाता है। मेरे बाल बहुत कर्ली है। तो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ आई मेकअप के लिए आई शेडो पैलेट वेट एंड वाइन का। उसमें से मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ। और इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। नेक्स्ट कलर यूज कर रही हूँ। मुझे इसमें थोड़ा सा लाइट ही चाहिए था। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ग्लिटरी शेड, वो भी लाइट ही यूज़ कर रही हूँ मैं, ये वाला। इसमें शायद वाइट दिख रहा है लेकिन ये थोड़ा सा येलो है शेड है। एकदम सेंटर पे इसे भी अच्छे से ब्लेंड करती हूँ।
तो उसके बाद हम यूज करेंगे आईलाइनर। आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का। होप आपको अच्छे से दिखा पा रही हूँ। तो अच्छे से मैंने आईलाइनर अप्लाई किया है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे काजल। मेरे पास काजल भी फेसेस कैनेडा का है। तो उसके बाद हम यूज करेंगे मस्कारा। मेरे पास पर्पल का मस्कारा है। मस्कारा अच्छे से अप्लाई हो गया। उसके बाद मैं करूँगी कंटूरिंग। कंटूरिंग के लिए मेरी नाक शार्प लग रही है ना।
कंटूरिंग हो गई है। हाईलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ माय बेबीलिन का हाईलाइटर। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लिप बाम। लिप बाम के लिए मैंने सिंपल नेविया का चेरी शाइन लिया है। कभी भी लिपस्टिक यूज़ करने से पहले लिप बाम ज़रूर यूज़ करना। और मैं अभी लिपस्टिक पर्पल की यूज़ कर रही हूँ। तो लिपस्टिक अप्लाई हो गए, उसके बाद में हम मेकअप फिक्स करेंगे। मेरे पास मेकअप फिक्सर है फेसेस कैनेडा का, शायद तो फोकस कर रहा है कि नहीं पता नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो हम सब मेकअप यूज़ करते हैं तो वो बहुत पाउडरी फॉर्म में होता है, तो मेकअप फिक्सर से वो अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। उसके बाद में अपने आईब्रोज को थोड़ा हाइलाइटर करूँगी, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है।
आई कॉर्नर को भी थोड़ा सा अब हमारा मेकअप पूरे से रेडी हो गया है। अब हम देखते हैं फाइनल लुक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा था, क्या था, और आपको कुछ भी मुझसे बात करनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे बात कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर टिक करना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको जरूर पता लगे। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलना।